सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। क्या बात है, आज कॉमेडी सर्कस के भाग्य खुल गए। गोविंदा जी आए, जोरदार तालियां। अरे मेरा दोस्त भी आया है। हेलो वरुण, कैसे हो भाई? हेलो वरुण धवन। भाई हमेशा आप ही करते हो यार। मैं उस वक्त भी स्टैंड अप कॉमेडी ही करता था। सर आपका ट्रेलर देखा मैंने फ्राइडे का, कमाल है, कमाल का ट्रेलर है। वो जाएगी तो आएगी, वो आएगी तो फिर मजा आएगी। मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी वाली जाएगी तो कंगाली आएगी। क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। अभी सोचो अमीर होने के बाद मैं ऐसा दिखता हूँ, अगर कंगाल हो गया तो कैसा दिखूंगा। बेबी हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? जानीमन तुमको पता नहीं मेरी पत्नी कितनी खतरनाक है। पता है मुझे तो कुछ नहीं करेगी, तुम्हारी नाक में दांत काटेगी। क्यों, तुम्हें क्यों कुछ नहीं करेगी? अरे मेरा पता है उसको, मैं क्या पैर पकड़ लूंगा, दूसरे पैर से मुझे माफ कर देगी। तुमने कहा था तुम इसे डिवोर्स दे रहे हो। हाँ देने वाला था, लेकिन अभी क्या है करवा चौथ आ रहा है, मैंने सोचा उस दिन भी कुछ ना कुछ मांगेगी, उसी दिन दे दूंगा। मजाक मत करो। मैं मजाक ना करूं, तुमसे मजाक होता नहीं, वो तीसरा फिजिकल करता है, एक्ट को गड्ढे में डाल दूं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मुझे हीरो नंबर वन मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि मेरे नसीब में ये चोरू का गुराम निकला। और तीन चार पिक्चरों के नाम ले ले गोविंदा जी के, शायद खुश हो जाए वो, क्योंकि एक्टिंग देख के तो गुस्सा आ रहा होगा उनको। छोड़ो ना ये सब, चलो आप रोमांस कर। छोड़ो ये क्या आइटम पटाई है, धोखेबाज आदमी, मेरी बहन को धोखा दिया इसने। अरे धोखेबाज मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो। अच्छा? हाँ, बिना दांत वाली लड़की दे दी, वो तो जब तीन घंटे तक पनीर चूसती रही तब पता चला पोपली है। अबे पोपली बहन तो दूंगा, हमें भी बोला था लड़का बड़ा बिजनेसमैन है, हमें क्या पता कुत्ते बिल्लियों की आवाजें निकालता साला। हाँ तो आवाज तो निकालूंगा ना, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, देखा नहीं तेरा कितना ध्यान रखता हूँ। जीजे जितने तेरे ठाट बाट है ना, वो इसलिए है क्योंकि मेरी बहन करोड़पति है। करोड़पति? यार तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तेरी बहन को पटा लेती। अभी भी देर नहीं हूँ, तू मुझे पटा ले, मैं भी लड़की बनी लेता हूँ साड़िया पर। टाइमिंग बहुत अच्छी हो रही है, मैं कहता हूँ सुपारी देनी इसकी। अरे यार सुपारी देने की क्या जरूरत है, तेरे पास पागल का सर्टिफिकेट, तू मार दे केस भी नहीं बनेगा। ठीक है सर्टिफिकेट है तो फिर मैं दो खून भी कर सकता हूँ ना। अरे नहीं अब बताइए क्या चल रहा है, फिल्म मिलेगा कि नहीं? या तो तू मुझे फिल्म लेके अपना हीरो साइन करेगा, नहीं तो मैं सारी बातें दीदी को बताऊंगा। चकल देखिए अपनी, सूखी झील के दरियाई घोड़े। सही बात है, सूखी झील के दरियाई। एक काम कर, फिल्म तो तेरे से होने वाली नहीं है, तो रामलीला में जटायु बन जा, फिजिकल करने को भी मिलेगा। झूठी, मैं ऐसे कब करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। एक सेकंड गोविंदा जी, ऐसे लोगों को ऐसे संभालना पड़ेगा। चल ठीक है फिल्म बना लूंगा तुझे लेके, लेकिन एक शर्त पे, स्टोरी मेरी होगी। तो स्टोरी भी बनाते हो? यस, अरे मैंने एक बार सलीम जावेद साहब को स्टोरी सुनाई थी, उन्होंने दो सीन सुनकर ही कहे हम तेरे साथ हैं, जहाँ कहेगा वहाँ तेरा इलाज करवाएंगे। क्या? राज, साले अपनी कहानी में मेरी कहानी घुस रहा है। अच्छा ठीक है बकवास नहीं कर, चल स्टोरी सुनाते फिल्म की। ठीक है, फिल्म का पहला सीन है। हाँ? फिल्म का टाइटल क्या है? अरे बायोपिक है तेरी। मेरी बायोपिक? हाँ। जीजा, I love you, जीजा। I love you, जीजा। यार मेरा I love you यार। मैं कह रहा हूँ अगर तूने मेरा काम ये कर दिया जीजा। मेरा काम करके अपना काम किया जा रहा है, इसका क्या? स्टोरी बताओ ना। अच्छा ठीक है स्टोरी बनाता, सुन फिल्म का टाइटल है आजाद हुआ पागल। क्या टाइटल हुआ बे, आजाद हुआ पागल? टाइटल को छोड़ कहानी सुन, कहानी कमाल का सीन है, बेड पे तू लेटा हुआ है। मेरे साथ?
साथ मेरे साथ मेरे साथ। बेड पे लेटा हुआ है तभी वॉइस ओवर आता है, ये मुकेश है, इसने एक साल गुटका चबाया फिर गुटके ने इसको चबाया। मुझे नहीं लेटा इसके साथ ठीक। तेरे को बताऊं ना, बताऊं साले, जीजा 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 इज्जत कर रहा हूँ मान नहीं रहा। तेरी एंट्री होती है फिल्म में, बारहवें माले पे खड़ा है सुपरमैन की तरह, तू छलांग मारता है, नीचे तेरी लाश पड़ी है। पहले सीन में एंट्री देके एग्जिट करा रहा है, हट। अरे नहीं नहीं, पुनर्जन्म वाली पिक्चर है यार, पुनर्जन्म होता है। हाँ पुनर्जन्म हुआ है तेरा। ये क्या कर रहा है, हीरो क्या कर रहा है? अच्छा छोटा है, चले भी नहीं क्या? हीरो घर पे आ रहा है, हीरो घर पे आ रहा है। तभी हीरो के कदमों की आवाज आती है, टक टन टक टन। भाई टन टन क्या आ रहा है? अरे वो खिड़की से कूद के आया ना, लोटा फंस गया उसके पैर में, तो अब चल रहा है तो आवाज आ रही है। बेबी कोई रोमांटिक सीन नहीं है क्या? अरे रोमांटिक तुम हो तो बना लेंगे, उसमें क्या है। हाँ, देखो एक काम करते हैं रोमांटिक। और तुम हीरो की आंखों में आंखें डालकर बोलती हो, कब आजाद हुआ पागल, कब आजाद हुआ पागल। अभी तेरी सुन बे, बहुत अच्छी कहानी है, फिर मैं आजाद हो जाएगा पागल, उसके बाद ऐसे लेके चप्पल घुसड़ेगा राइटर के मुंह में। आजाद हो गया पागल। इतना नहीं यार, कॉमेडी ठीक है यार, चप्पल वप्पल मुंह में डालना। अच्छा सर, हम लोग वैसे कॉमेडी नहीं करते ना भाई, रिहर्सल में बोला था ये नहीं करना। ऐसे कौन चप्पल डालता है, ये कोई तरीका मैं डालूंगा तुम्हारे मुंह पे अच्छा लगेगा तुमको, ऐसे नहीं डालना कभी, ऐसे डालो। वाओ बीवी, बता। हाँ। कोई और एक्टर नहीं है? अरे एक्टर हाँ है ना, अरे बहुत सारे एक्टर हैं। तभी अजय देवगन साहब की एंट्री होती है, अजय देवगन साहब आते हैं, कहते हैं, उड़ रहा है आसमान में ये गुमनाम सा बादल, उड़ रहा है आसमान में ये गुमनाम सा बादल, खुशियां मनाओ यारो, आजाद हुआ पागल। सबकी एंट्री हो गई। अरे एक एंट्री और, एंट्री कब होगी? हमारी भी होगी, पहले पड़ोसी फरहान चाचा आते हैं, वो बोलते हैं, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हरकत ही ऐसी की है कि शर्मिंदा हो तुम। कब होगी मेरी एंट्री? तुम्हारी एंट्री है सेट पे, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, खाना खाओ, घर लेके जाओ, जो करना है करो, तुमको क्या है यार। अब हीरो कसम खा रहा है, मैं कसम खाता हूँ, कसम खाता कि अपने जीजा जी की बात, कि अपने जीजा जी की बात दीदी को नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा दीदी को? क्यों दीदी को नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा? ये सर्टिफिकेट का फायदा उठा रहा है ना तू? अब देखो पागल तो मैं हूँ, तो आजाद हुआ पागल, आजाद हुआ पागल, आजाद हुआ पागल, ये लो, आजाद हूँ, आजाद हुआ पागल, आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद, आजाद हूँ, आजाद, आजाद। क्या कर रहे हो? आजाद हूँ पागल। वाह, धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे अर्चना जी? पहली बार ये कहने को मिल रहा है कि हंसते हंसते मेरे सर में दर्द हो गया वाकई में, और ये मैं कह रही हूँ, हू लाफ सो मच इन एनी केस। व्हाट अ फैबुलस एक्ट, मुबीन, करिश्मा एंड सिद्धार्थ, ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू सहल जी। मुबीन, करिश्मा, सिद्धार्थ, ये बहुत कम बोलने को मिलता है कि एक्टर जो है वो स्क्रिप्ट से बड़ा हो सकता है, और ये एक्ट ने ये प्रूव कर दिया कि आप सब स्क्रिप्ट से बड़े थे। यू गाइस वर फैबुलस। थैंक यू सर। गोविंदा जी, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है इस एक्ट के लिए यार, ऐसा एक्ट, माय गॉड, बहुत हंसा मैं, बहुत हंसा। और मैं आपसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जिस तरह मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मतलब अव्वल दर्जे का नीच आदमी है तू।
Too good, you. Thank you, sir. Too good. जोरदार चलिया. हम आइए देखते हैं जीजा साला की जोड़ी ने कितने पैसे कमाए. मुबीन, सिद्धार्थ और करिश्मा, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 18 हाहाकार और 20 फेफड़ा फाड़. तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपको मिलते हैं 3,20,000. Congratulations guys, thank you so much. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन.